नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। सब कुछ बताऊंगा मैं आपको थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आप इसे क्लेम कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। बने रहिए हमारे वीडियो में और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे जो इस तरह की जो हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, जानते हैं इसके बारे में। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है? अब इंडिया में अगर आपको गाड़ी चलानी है या फिर आप कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है, और इंश्योरेंस में भी आपको मैंडेटरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना। आप फर्स्ट पार्टी कराओ मत कराओ ये आपकी मर्जी है, आपकी गाड़ी पर जो नुकसान होगा वो आपको झेलना है, लेकिन सामने वाले का जो इंश्योरेंस कराना है वो आपको मैंडेटरी है, उसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अब सामने वाले मतलब थर्ड पार्टी का क्या मतलब है? आपकी गाड़ी जो आप जो गाड़ी चला रहे हैं, जो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे बस हो, ट्रक हो, उससे उसको छोड़कर उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे लोग, वो सारी गाड़ियाँ, वो सारी प्रॉपर्टी, शोरूम्स, कुछ भी चीज़ हो वो आता है आपका थर्ड पार्टी कवरेज में। जी हाँ, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आप किसी को भी ठोक सकते हो, किसी को भी एक्सीडेंट कर सकते हो, कोई किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते हो, तो उस डैमेज की रिकवरी के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। अब कई लोग बोलते हैं कि हमें पुलिस से बचने वाला इंश्योरेंस चाहिए। जैसे कई लोग मैंने सुना है लोगों के बारे में जो कराते हैं कि सिर्फ वो वाला इंश्योरेंस करा दीजिए जो पुलिस से बचने वाला हो। ऐसा नहीं होता, जो मिनिमम जो इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, और वही उसको बोलते हैं लोग जो पुलिस से बचने वाला इंश्योरेंस होता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अगर आपको गाड़ी चलानी है, आपको रोड पर गाड़ी ड्राइव करनी है, तो आपको अपना ध्यान रखें ना रखें लेकिन सामने वाले का आपको ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। चाहे वो आप टू व्हीलर चलाएँ, चाहे फोर व्हीलर चलाएँ, चाहे ट्रक चलाएँ, चाहे कार चलाएँ, कुछ भी चलाएँ, लेकिन आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। अब इसके साथ साथ हम क्या क्या ले सकते हैं और इसमें कितने कवरेज होते हैं? तो जब भी आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके साथ दो तीन चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंडेटरी पीए कवर, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, उसको आपको कराना ही होता है। वो आपका 15 लाख रुपए का उसमें कवर मिलता है आपको, और इसके साथ इसके अलावा आप अपने ड्राइवर के लिए, अगर आप अपने ड्राइवर अलग से रख रहे हैं या फिर आपकी गाड़ी में जो पैसेंजर हैं वो जैसे 5 पैसेंजर आते हैं या फिर टू व्हीलर पर आप 2 लोग बैठ सकते हैं, तो आप सेकेंड पैसेंजर के लिए भी कुछ उसमें कवर ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का कवर उसमें मिलता है आपको। तो ये तो बात हो गई आपके कवरेज की, आप कौन कौन से कवर ले सकते हैं। प्लस जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसके अंदर जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का जो कवरेज होगा वो होगा 7.5 लाख रुपये का, जो डेथ का और जो पार्सल डिसेबिलिटी का जो क्लेम होगा वो होगा अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो सब कोर्ट डिसाइड करता है उसमें कितना मिलेगा। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं, जो 7.5 लाख का कवर मैंने आपको बताया वो मिलेगा आपको फोर व्हीलर में, कार की कंडीशन में। अब जो टू व्हीलर है उस कंडीशन में जो कवर मिलेगा आपको मिलेगा 1 लाख रुपए का सामने वाले को कवर, और जो ये प्रॉपर्टी डैमेज का होगा, और जो व्यक्ति है जिसको आपने टक्कर मारी है, जो डिसेबल हो गया है या फिर उसको वो उसकी डेथ हो गई है, तो उसका अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो डिसाइड करेगा कोर्ट। तो अब जब भी आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें कि आपको थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज मिलेगा 7.5 लाख रुपए का, प्लस जो व्यक्ति का जो कवर होगा, जो डेथ का या पार्सल डिसेबिलिटी या टेम्परेरी डिसेबिलिटी का जो कवर होगा वो अनलिमिटेड है, जितना कोर्ट डिसाइड करेगा वो मिलेगा। प्लस 15 लाख रुपये का पीए कवर आप अपने लिए ले सकते हैं, अगर आपको गाड़ी चलाते में कुछ हो जाएगा तो वो आपको मिलेगा। प्लस जो आपके पैसेंजर होंगे या ड्राइवर होगा उसका भी कवर आप 1 लाख रुपये से लेके 2 लाख रुपये तक का कवर ले सकते हैं। तो ये एक कवरेज आप ले सकते हैं। अब थर्ड पार्टी कवरेज, थर्ड पार्टी क्या कवर करता है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते में सामने वाला कोई भी व्यक्ति, आपको छोड़कर जो आपकी गाड़ी में लोग बैठे हैं उनको छोड़कर कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपकी गाड़ी के पीछे हो, चाहे साइड में हो, चाहे आगे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो इसको आप अगर डैमेज करते हैं तो उस चीज़ को थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज या जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी होती है वो उसे कवर करती है।
अब प्रॉपर्टी डैमेज, प्रॉपर्टी में आपका घर आ गया, आपकी गाड़ी आ गई, कोई भी और भी इस तरह की चीज़ें हैं, शोरूम हो गया किसी का, कोई दुकान हो गई, तो उसमें अगर आपने मान लीजिए गाड़ी को ठोक दिया किसी वजह से, तो उस कवर का, उस एक्सीडेंट का लगभग 7.5 लाख रुपए कंपनी सामने वाले व्यक्ति को पे करेगी। लेकिन इन केस कोई डेथ हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, मान लीजिए आपने 4 लोगों को उड़ा दिया या किसी एक व्यक्ति को उड़ा दिया और उसकी डेथ हो गई, तो डेथ की कंडीशन में उस व्यक्ति की जितनी वैल्यू है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति की कितनी वैल्यू है, वो क्या काम करते हैं, उनकी फैमिली में कितने लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है, या वो अकेले हैं, या अभी उनकी उम्र कितनी है और वो अपने 60 साल की उम्र तक कितना वो कमा सकते थे, कमा के अपनी फैमिली के लिए वो कर सकते थे, उस हिसाब से कोर्ट सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। डिसाइड करने के बाद जो डेथ का जो क्लेम होगा वो पे करेगा कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो पे करेगी। उसके अलावा पार्शल डिसेबिलिटी का जो होगा वो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, प्लस जो टेम्परेरी डिसेबल जो लोग होंगे उनके लिए भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कितना पैसा सामने वाले को, इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। अच्छा, उसमें आपको कुछ पे नहीं करना, आपका जो भी क्लेम होगा वो सब कंपनी पे करेगी। सारे जो केसेस होंगे, सबसे पहले आपको एक FIR करनी है, मतलब सामने वाला आपके ऊपर FIR करेगा, मान लीजिए आपने किसी को ठोका तो वो आपके ऊपर FIR करेगा, और FIR करने के बाद जो पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसके बाद एक जो केस होगा वो जाएगा कोर्ट के अंदर, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि सामने वाले व्यक्ति की जिसकी डेथ हुई है, या जो पार्शल डिसेबल हुआ है, या फिर जिसको टेम्परेरी डिसेबल, जो जिसको टेम्परेरी कोई चोट लगी है, या कोई मान लीजिए हाथ पैर में कुछ इस तरह से लग जाए, जैसे कोई टूट जाए तो फ्रैक्चर हो जाए, उस तरह की कोई दिक्कत होगी, तो उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा कि सामने वाले व्यक्ति को कितना पैसा पे करना है। अब बात आती है अपनी गाड़ी के ऊपर, कि थर्ड पार्टी में अपनी गाड़ी पे क्या मिलेगा, तो थर्ड पार्टी पे आपको अपनी गाड़ी पे कुछ भी पे नहीं मिलेगा, कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी, सबको जो भी खर्चा उसके अंदर आएगा वो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। अब जो मैंडेटरी कवर जो लेना होता है आपको, 15 लाख रुपए का PA कवर, इसको बोलते हैं ऑनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो वो लेना मैंडेटरी है। जब भी आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएंगे तो वो आपको लेना मैंडेटरी है, और एक्सीडेंट के केस में जब आपने कोई एक्सीडेंट किया तो उस कंडीशन में जो 15 लाख रुपए होंगे वो आपके बिहाफ पे आपके कंपनी को, आपके जो फैमिली होगी उसको मिल जाएंगे, या फिर कोई पार्शल डिसेबिलिटी होती है या कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है तो उस कंडीशन में वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये तो आगे हो गया आपका PA कवर का, प्लस जो आप ड्राइवर के लिए कवर ले रहे हैं, या फिर जो आप पैसेंजर जो आपकी गाड़ी में बैठ रहे हैं उनके लिए कवर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का जो भी आप कवर लेते हैं उतना कवर आपको कंपनी पे करती है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की, कि जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप लेते हैं तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले, कई बार आपने सुना होगा लोगों से कि प्रीमियम तो आ रहा है 3800 रुपये का, मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर जो 4 व्हीलर है वो 1000 cc से लेकर 1500 cc तक का 4 व्हीलर है, तो उसका जो प्रीमियम आता है वो आता है 3800 रुपये फिक्स, 3801 रुपये। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति 3600 रुपये का कर रहा होता है, कोई 3650 का कर रहा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज की जो लिमिट होती है उसको कम कर देते हैं, तो उससे 150 रुपये कम हो जाते हैं और वो लिमिट बढ़ घट के 6000 रुपये रह जाती है। मतलब कि अगर क्लेम के केस में जो कंपनी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज पे पे करेगी वो पे करेगी सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपये। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको हटाना है, आपको जब भी आप थर्ड पार्टी पॉलिसी खरीदते हैं तो ये हमेशा कन्फर्म करना है कि आपके पॉलिसी में थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का जो 7.5 लाख रुपये का खर्चा है वो पूरा कंपनी पे करेगी। ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में आपने 150 रुपये कम तो कर लिए लेकिन TPPD जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का जो लिमिट है वो आपने 7.5 लाख से घटाकर 6000 रुपये कर दिया। और ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो मैंने देखे हैं जो सिर्फ छोटा दो कुछ 200-400 रुपये कमाने के चक्कर में वो लोगों को पुलिस से बचने वाले इंश्योरेंस के नाम पर ये चेप देते हैं, और उसके बाद एक तो उनको पूरी जानकारी नहीं देते, लोग अगर थर्ड पार्टी एक्सीडेंट करते भी हैं तो उसका खर्चा खुद पे करते हैं, प्लस अगर मान लीजिए उनको जानकारी होती भी है तो उसके बाद जो लिमिट होती रह जाती है उनकी वो 6000 रुपये रह जाती है, जिससे कि उनके लिए कुछ नहीं बचता उसके अंदर। तो मेरी उन लोगों से अपील है जो लोग इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, तो 150 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा पे कर देंगे। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना एक्चुअल है उतना ही पे करना है, लेकिन सस्ते के चक्कर में लोग 100-150 रुपये उसमें कम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सावधानी रखनी है। दूसरा,
पीए कवर आपको मैंडेटरी है, वो लेना ही लेना है। अगर आपने पीए कवर नहीं लिया तो उस कंडीशन में कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहे तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है और उस कंडीशन में सारा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। नंबर तीन, जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ ही चला रहे हैं, लेकिन उसमें आपको वो सावधानियां जरूर रखनी है जिसकी वजह से आपका क्लेम कैंसिल ना हो जाए। कैंसिल ना हो जाए मतलब, जैसे कि आप अगर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं तो आपका क्लेम कंपनी कैंसिल कर सकती है और उसका पूरा हर्जाना, वो सारा जो भी खर्चा आएगा वो सब आपको पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप गाड़ी चलाएं, आप गाड़ी ड्रिंक करके ना चलाएं, या और जो इस तरह की सावधानियां होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं, तो वो भी एक समस्या है। अगर आपने वो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला दी, या आपकी उम्र 18 साल से कम है, लाइसेंस तो बनेगा नहीं 18 साल से कम, लेकिन कई लोग क्या होते हैं अपने बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं, तो उस कंडीशन में सारा का सारा जो खर्चा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। तो ये सावधानियाँ आपको उसमें बरतनी है। और क्लेम का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए अगर आपने किसी का एक्सीडेंट किया तो सामने वाला आपके ऊपर क्लेम करेगा और FIR करेगा। ऐसे ही अगर आपकी गाड़ी को किसी और ने ठोक दिया तो आपकी गाड़ी भी, आप भी चाहें तो अपना जो थर्ड, जो सामने वाले का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वहाँ से अपनी गाड़ी पर या अपने प्रॉपर्टी पर या अपने ऊपर क्लेम आप दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको FIR करनी है। FIR करने के बाद जो पुलिस की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई करने के बाद एक जो मोटर एक्सीडेंटल जो क्लेम के लिए जो कोर्ट बने होते हैं, जिसको बोलते हैं MACT, वहाँ पर आपका ये केस जाएगा। केस जाने के बाद जो भी वहाँ पर कोर्ट में डिसाइड होगा कि थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज पे आपको इतना पे करना है, या डेथ पे आपको इतना मिलेगा, या पार्शल डिसेबिलिटी पे या टेम्परेरी डिसेबिलिटी पे आपको इतना मिलेगा, तो जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो पैसा या तो जो आपका इंश्योरेंस कंपनी होगी वो सामने वाले को पे करेगी, या जो सामने वाले का होगा वो कंपनी आपको पे करेगी। तो ये क्लेम लेने का एक सिंपल प्रोसेस है। और वैसे मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि गाड़ी बड़ी सावधानी से चलाएं, चाहे अपने लिए हो चाहे सामने वाले के लिए हो। नुकसान तो नुकसान है, वो किसी का भी नुकसान हो सकता है। ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, जो नियम है, नियम कायदे हैं, उसके हिसाब से गाड़ी चलाएं। कई बार लोग बच्चों को गाड़ी पकड़ा देते हैं, बच्चों की उम्र 18 से कम होती है, लाइसेंस उनका बना नहीं होता, 2-व्हीलर 4-व्हीलर सब पकड़ा देते हैं, उनके एक्सीडेंट कई कारणों से उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी ध्यान से चलाएं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिनिमम कराएं अपनी गाड़ी का, और कोशिश करें कि फर्स्ट पार्टी भी साथ में कराएं, लेकिन थर्ड पार्टी तो आपको कराना ही कराना है। इसके साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि जो इस तरह की आने वाली जो हमारी वीडियो होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।